हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सर्विस प्लानेट। मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से अतनु। आज मेरे पास एक बोर्ड है जो डेल 14 3000 सीरीज का मदरबोर्ड है। ये इसका पार्ट नंबर है जानुस इंटेल MB13302-1। तो ये मुझे डेड कंडीशन में मिला है, तो चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पे डीसी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा डीसी का कंजम्पशन 0.024 में स्टे हो चुका है और कभी कभी एक बार वेरिएशन भी हो रहा है, 25 तक भी जा रहा है कभी कभी। तो मैं अगर पावर बटन प्रेस करूं तो देखिए कोई वेरिएशन नहीं, मतलब ये बिल्कुल डेड है। और क्योंकि ये 0.024 कंजम्पशन हो चुका है, इसका मतलब है मेरा विन 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट ये बन चुका है। तो एक बार इसको भी टेस्ट कर लेंगे हम। तो मैं एक बार 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन में जूम कर लेता हूँ। तो ये मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट आईसी है, PWM आईसी है, नंबर है 51125। तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि मेरा 90 वोल्ट का स्टेटस। तो देखिए मेरा ये मीटर में आप देख सकते हैं मेरा विन वोल्टेज बन चुका है। मैं एक बार 5 वोल्ट LDO की तरफ चलूँगा। तो देखिए 5 वोल्ट LDO भी बन चुका है। और ये मेरा 3.3 वोल्ट LDO का कैपेसिटर है, तो देखिए 3.3 वोल्ट भी बन चुका है। तो देखते हैं कि 5 वोल्ट और 3 वोल्ट ऑलवेज बना है कि नहीं। ये मेरा 19 वोल्ट इनपुट है, ये मेरा 5 वोल्ट ऑलवेज भी बन चुका है। ये मेरा 19 वोल्ट इनपुट है और देखिए ये मेरा 3.3 वोल्ट ऑलवेज भी बन चुका है। तो आगे बढ़ते हैं पावर स्विच की तरह कि पावर स्विच में वोल्ट है कि नहीं, क्योंकि ये पावर ऑन का केस है। तो सिंपली मुझे पावर स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। ये रहा पावर सॉकेट, तो ये चार नंबर पिन पे मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है क्योंकि मेरा LDO बन चुका है। तो देखिए कभी कभी फ्लैक्चुएट भी हो रहा है वोल्टेज, 0.123 कभी कभी भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो सेमेस्टिक के पास चलते हैं कि सेमेस्टिक हमें इसका जवाब दे देगा कि इसमें कितना वोल्ट होना चाहिए। मैं एक बार इसका सेमेस्टिक डाउनलोड कर लेता हूँ। 1.3302-1 तो यहाँ पे मुझे इसका PDF फाइल मिल गया। तो मैं सिंपली इसका जो पावर स्विच का सॉकेट है, सॉकेट को पहले सर्च कर लेता हूँ।
AFTP6802, एंटर। तो देखिए ये मेरा पावर स्विच का सॉकेट है, इसका 4 नंबर पिन में मुझे KVC पावर बटन हैश, मतलब ये हाई लो हाई का एक सिंबल यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, जो कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये कनेक्टेड है, ये क्योंकि ये यहाँ पे एट द रेट सिंबल दिया हुआ है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो एक बार मदरबोर्ड पे सर्च कर लेंगे कि है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे R6102 ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं कि रजिस्टर है कि नहीं। तो देखिए मुझे यहाँ पे मिल गया R6102, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर में भी मुझे कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे भी मुझे कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं सेंसस्टिक से। ये पूरा वोल्टेज रेल पकड़ के हम लोग चलेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। तो मैं ये KBC पावर बटन हैश इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको सर्च करते हैं पहले। तो मुझे ये पावर सीक्वेंस के यहाँ पे मिल गया। तो देखिए KBC पावर बटन हैश, ये पावर बटन प्रेस करने से ये KBC PSL इनटू में कन्वर्ट हो रहा है ये सिग्नल। तो मुझे ये KBC पावर बटन हैश और कहीं पे मिला नहीं। ये मेरा IO है, तो IO पे PSL IN2 हैश बोल के ये इनपुट हो रहा है, तो एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा IO का पिन नंबर 93 में ये PSL IN2 हैश यहाँ पे इनपुट हो रहा है। तो एक बार यहाँ पे मैं डायरेक्ट ग्राउंड दे के देखता हूँ कि मेरा मदरबोर्ड ऑन होता है कि नहीं। तो ये मेरा IO है, इसका 93 नंबर पिन पे मुझे PSL इनटू मिल रहा है। तो एक बार इसको ग्राउंड के साथ डायरेक्ट शॉर्ट करके देखता हूँ कि मेरा मदरबोर्ड ऑन होता है कि नहीं। तो ये मेरा 95 नंबर पिन है। तो ये मेरा 95 का मार्क है, तो 95, 94, 93 ये वाला पिन जो है ये मुझे मेरा पावर स्विच का यहाँ पे हाई लेवल सीक्वेंस बनाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यूजर से इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मदरबोर्ड है ये मदरबोर्ड अभी ऑन हो चुका है। और मेरा एम्पियर कंजम्पशन देखिए, एम्पियर कंजम्पशन भी हाई हो चुका है।
यहाँ पे मुझे क्लू मिल गया कि मेरा आयो ठीक है, मेरा बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ पावर बटन से मुझे हाई लो हाई का सीक्वेंस नहीं मिल रहा है और पावर बटन पे मुझे कोई वोल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। तो पहले चलिए इसको सिमस्टिक में देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो मैं इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। इसको एक बार सर्च करता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका कनेक्टिविटी है। तो देखिए मुझे यहाँ पे एक पावर स्विच लॉजिक का एक सर्किट बना हुआ मिला जो कि 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 से जुड़ा हुआ है। ये एक रजिस्टर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये @ दिया हुआ है। तो मुझे इस साइड से पावर कीबोर्ड पावर बटन हैश का हाई लो हाई सीक्वेंस मिल रहा है और इस साइड में मुझे PSLIN2 मिल रहा है। तो मुझे ये पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट पे मेरा 3.3 वोल्ट है कि नहीं और ये पॉइंट के साथ मेरा पावर बटन का पहले जो रजिस्टर था वो रजिस्टर का कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो चलिए एक बार देखते हैं ये पॉइंट में 3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये रजिस्टर नंबर है R422425। तो इसको एक बार फाइंड कर लेते हैं मदरबोर्ड में। तो देखिए मुझे यहाँ पे R2425 रजिस्टर मिल गया जो कि वाईफाई कार्ड के बिल्कुल नीचे था। वाईफाई कार्ड का मतलब पीसीआई का जो स्लॉट है उसका बगल में ही था जहाँ पे वाईफाई कार्ड लगता है। तो ये R2425 रजिस्टर मुझे मिल गया। तो देखते हैं इस पॉइंट पे मुझे दो साइड में 3 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट अवेलेबल है और इस साइड में भी। यहाँ पे भी 3.1 वोल्ट है क्योंकि ये 330 के रजिस्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है तो थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे 3.1 वोल्ट मिल गया। तो फिर एक बार सेमिस्टिक के पास चलते हैं कि सेमिस्टिक हमें क्या बताता है। तो देखिए मुझे ये पॉइंट पे 3.1 वोल्ट मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं इसमें और कोई है कि नहीं। तो मैं एक बार जो अभी नाम बदल रहा है KBC पावर बटन हैश उसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए वो डायरेक्ट मुझे ये रजिस्टर के ये पॉइंट पे लाके छोड़ रहा है KBC पावर बटन हैश। ये R6102 ये रजिस्टर क्रॉस होके मुझे डायरेक्टली ये पावर सॉकेट पावर बटन का जो सॉकेट है ये सॉकेट पे आया। तो मुझे देखना पड़ेगा ये R6102। मैं यहाँ पे पहले भी चेक कर लिया कि यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक क्लू मिल गया कि मेरा जो ट्रैक है वो ट्रैक इंटरनली कटा हुआ है। तो चलिए मैं एक बार इसको ट्रैक जोड़ लेता हूँ उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे वोल्ट है कि नहीं और मेरा मैं लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो R2525 जो रजिस्टर मिला यहाँ से मैं एक वायर लेके ये पावर बटन का जो रजिस्टर मिला उस पॉइंट में मैं इसको कनेक्ट कर दिया। तो अभी देखते हैं कि मेरा सेट क्या कंडीशन है और ये सॉल्व होता है कि नहीं।
तो मैं इसको डीसी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो पावर बटन प्रेस करने से देखिए मेरा फ़ैन स्पिन होने लगा और मेरा एम्पियर भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो मेरा अभी देखिए पेन ड्राइव पे मेरा डिस्प्ले भी आ चुका है, मतलब यूएसबी का डेटा मुझे मिल गया, मतलब इंटरनल डिस्प्ले भी रेडी है। तो ये बोर्ड में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है, आप लोग ये स्टेप फॉलो करके ये इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एकदम लाइव ट्रेसिंग दिखाया, मिडिल मिडिल में थोड़ा सा स्पॉच किया क्योंकि मैं जो वायर जंपरिंग किया था उस टाइम में थोड़ा सा वक्त लग गया क्योंकि इसमें वीडियो का लेंथ भी बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं पॉज करके आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको दिखाया और कहाँ से ये वोल्टेज मिसिंग है ये भी मैं आपको सेमिस्टिक में दिखा दिया। तो इस टाइप का डेली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, सर्विस प्लानेट सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।